अगली खबर में बात करते हैं टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन में सागर जिले के कृषि विशेषज्ञ भूपेंद्र चौधरी का चयन हुआ है। भूपेंद्र को केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने में 22 साल का समय लगा। इन 22 साल में उन्होंने करीब 400 सवालों के जवाब दिए, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। सागर जिले से अब तक कोई भी व्यक्ति केबीसी की हॉट सीट पर नहीं बैठ पाया था। खुरई तहसील खेजरा इज्जत गांव के भूपेंद्र चौधरी अब 10 नवंबर को अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे दिखेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण टीवी पर रात 9 बजे से होगा। गुजरात के दाहोद में नौकरी करने वाले भूपेंद्र के चयन पर उनके घर परिवार वालों सहित पूरे शहरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके गांव के अलावा जिले के लोग भी कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि वे 16 वर्ष की आयु से केबीसी में जाने का प्रयास कर रहे थे। 22 साल की मेहनत और प्रयास के बाद उनका सपना पूरा हो सका है। इस दौरान उन्होंने करीब 400 सवालों को जवाब दिए हैं। इस बार सभी सवालों का सही जवाब देने पर उनका सिलेक्शन हुआ है। उनका कहना है कि किस्मत, भाग्य और ज्ञान ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। केबीसी के इस सीजन में अंतिम 10 प्रतिभागियों के रूप में चयन के बाद हॉट सीट पर पहुंचने के लिए उनको 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। अंतिम दौर में उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ दिया और फास्टेस्ट फिंगर राउंड के बाद वह हॉट सीट पर पहुंच गए। 38 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी बताते हैं कि वह वर्तमान में गुजरात के दाहोद में कृषि विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हैं। उनके पिता बसंत चौधरी जो सिंचाई विभाग से सब इंजीनियर के रूप में रिटायर हो चुके हैं। उनका एक भाई गजेंद्र चौधरी जो खरगोन में पटवारी है। उनके बड़े भाई गांव में किसानी का काम करते हैं। भूपेंद्र ने बताया कि उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा खरगोन जिले में हुई है। महानायक अमिताभ बच्चन के पूछने पर कि खुरई में क्या क्या फेमस है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह फेमस है। अब भूपेंद्र चौधरी भी फेमस हो गए। इसके अलावा उन्होंने खुरई के डोहेला कृषि यंत्रों के अलावा नगर के प्रसिद्ध गेहूं और एरन के बारे में बताया। केबीसी में आने के लिए मैं जब नाबालिग था जब से अब तक प्रयासरत था मैं, और इस बार प्रयास हो गया। और चूंकि जिस एपिसोड में मेरा सिलेक्शन हुआ है वो हॉट सीट पे आने पे आखिरी चांस था, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पता नहीं क्यों लग ही नहीं पा रहा था, लेकिन किस्मत, भाग्य और ज्ञान का साथ रहा।